वाला हूँ मेरे पहलगाम में टूरिस्ट इतना आता कहने की बात करके देते। मैं सलाम करता हूँ पहलगाम। आजादी मिलेगी अभी ना? नहीं मिलेगी। मैं आया हूँ ऐश मुकाम पहलगाम से। मैं ताल्लुक रखता हूँ नेशनल लिस्ट पीपल्स फ्रंट से। तो हमारी प्रोटेस्ट है इस बारे में आज कि जो ये सिविल मजदूर लोग, टीचर लोग बेवजह बेगुनाह मारे गए हैं, इनके बारे में हमारी आज की प्रोटेस्ट है। इसलिए इस साजिश को, कश्मीर को बदनाम करने की साजिश को, फिरकावादी करने की मजहब की साजिश को सामने लाया जाए। ये जब न्यूज़ में आते हैं नामालूम ने मार दिया, वो नामालूम है कौन है? एक ने जब तक हुकूमत इसको चाहेगी तो इसको सामने लाए। वो उनको बढ़ा चढ़ा के बोलेगा कश्मीरियों ने मारा है, मारा है, मारा है, मारेगा नहीं। मुझे लगता है नहीं मारा कश्मीरियों ने। इंशाल्लाह कश्मीरियों की इज्जत है, इज्जत रहेगी, शान रहेगी। और मजदूरों से, मजदूरों को मार के कौन से यहाँ पे आज़ादी मिलेगी हमें? इतने हमारे नौजवानों ने कुर्बानियाँ दे दी, अभी लाखों करोड़ों में ख़त्म हो चुके हैं, घर उजाड़ चुके हैं, तो अब उन बिहारियों से हमको आज़ादी मिलेगी? ये गलत है, ये गलत है। मैं लिख के देता हूँ, लिख के देता हूँ, चाहे मेरा खून निकाल रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ कि कश्मीरियों ने नहीं मारा उनको। मुझे एडमिटेशन का साथ दें, ये किसने मारा? अमेरिक कश्मीर बदनाम ना किया जाए। किसी को आगे आना है, आज तक आप लोगों ने देखे हैं बहुत से सिविलियन क्लिनिक हो गए हैं, क्योंकि ये हमारे कश्मीरियों के खिलाफ एक गहरी साजिश है। हम ये नहीं चाहते हैं, क्योंकि कश्मीरी माने जाते हैं मेहमान नवाजी के लिए, इसलिए हमने मुनासिब समझा कि हम अपने लोगों को उजागर करें और उनको जगाए कि ये अनआइडेंटिफाइड अगर गनमैन है कौन, क्योंकि हम नहीं चाहते इंसानियत का खून हो रहा है यहाँ पर। हमें देखना है हमें किस तरह से हमारे बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं उनको किस तरह हमें आगे ले जाए, बाकी चीज़ें देखनी है। इसीलिए हमने प्रोसेस यहाँ शुरू कर दिया है कि इसके ये तहकीकात होनी चाहिए, गैर जानबदाराना तहकीकात होनी चाहिए, और तहकीकात होने के साथ इन कल्पर्ट्स को आगे ये बुक करना चाहिए कि ये किन किन की साजिश है हमें कश्मीरी को बदनाम करने की।